जय हिंद दोस्तों। भारत में कोरोना वायरस भयंकर हाहाकार मचा रहा है। ये इसका दूसरा वेरिएंट है, दूसरा वेव है। कई राज्यों में लॉकडाउन भी लगाए जा चुके हैं, परंतु बहुत ज़्यादा असर इसका देखने को नहीं मिल रहा है। लाखों मौतें भारत में हो चुकी हैं। भारत में अगर अब कुछ आशा की किरण बची हुई है तो वो है वैक्सीन। भारत में 3 वैक्सीन प्रमुखता से लगाई जा रही हैं। भारत में इसकी मंजूरी मिल चुकी है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं 3 वैक्सीनों के बारे में, कैसे ये वैक्सीन काम करती है, कैसे ये वैक्सीन हमारे शरीर में जाने के बाद कोरोना वायरस से हमारी रक्षा कर सकती है, कौन सी वैक्सीन कितनी फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 3 वैक्सीनों के बारे में डिटेल में जानकारी। सबसे पहले हम जिस वैक्सीन के बारे में बात करेंगे वो वैक्सीन भारत की ही बनी वैक्सीन है, मतलब पूर्णतः देसी वैक्सीन है, कोवैक्सीन। तो सबसे पहले कोवैक्सीन के बारे में हम लोग बात करते हैं। कोवैक्सीन भारत की पूर्णतः भारत में ही बनी वैक्सीन है। इस वैक्सीन का निर्माण ICMR और भारत बायोटेक कंपनी ने मिलकर के किया है। ये वैक्सीन 78% प्रभावी है, मतलब 78% प्रभावी है। कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। भारत की जो कोवैक्सीन है, ये कोवैक्सीन दुनिया की इकलौती वैक्सीन है जो सबसे पुरानी पद्धति से बनाई गई है, यानी सब पारंपरिक पद्धति भी इसको कह सकते हैं। ये पद्धति है क्या, आइए इसके बारे में जानते हैं। पारंपरिक पद्धति क्या होता है, इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस को हमारे शरीर में डाला जाता है। इनएक्टिवेटेड वायरस का मतलब होता है ऐसा वायरस जो डेड हो, डेड वायरस को हमारे शरीर में डाला जाता है जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और यही एंटीबॉडी वायरस से हमारे शरीर को जो है बचाती है। ये डेड वायरस अन्य वायरसों को भी इनएक्टिवेटेड करने, यानी उनको डेड करने का काम करती है। 100% इस वैक्सीन का रिजल्ट है। अगर आपको इस वैक्सीन को लगाने के बाद भी अगर वायरस होता है तो 100% है कि आप माइल्ड सिम्टम से ही ठीक हो जाएंगे। आपके अंदर इसके घातक प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, जान जाने की क्षमता 0%। 78% प्रभाव का मतलब ये है कि आप इस वैक्सीन को लेने के बाद 78% चांसेस हैं कि आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। अगर इन्फेक्टेड होते भी हैं तो आपकी जान नहीं जाएगी। हाल ही में हुए शोधों से यह भी पता चला है कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के सभी वेरिएंटों पर प्रभावकारी है। कोवैक्सीन के दोनों डोजों में कम से कम 28 दिन का अंतर होना चाहिए। ये 28 दिन का अंतर इसलिए होना चाहिए कि 28 दिन में ये हमारे शरीर में पूरी तरीके से एंटीबॉडी बनाने का निर्माण कर लेती है, और 28वें दिन अगर इसकी दूसरी डोज दे दी जाए तो ये 78% प्रभावी हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलकर के किया है। भारत में इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है। भारत में इसका प्रोडक्शन पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है। कोविशील्ड वैक्सीन दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन भी है। इसका कारण ये है कि दुनिया के 80 देश इसी वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 70% प्रभावकारी है। कैसे हैं बताते हैं, परंतु सबसे पहले हम जानते हैं कि इस वैक्सीन का निर्माण कैसे किया गया है। जानवर है चिंपैंजी। चिंपैंजी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है एडेनोवायरस। एडेनोवायरस चिंपैंजी के मल में पाया जाता है जो कि चिंपैंजी के सर्दी जुकाम का कारण बनता है। इसी वायरस को निकाल करके ये वायरस चूंकि कोरोना वायरस से लगभग मिलता जुलता है, यही कारण है कि एडेनोवायरस से इस वायरस की वैक्सीन को बनाया गया है जो हमारे शरीर में इसका एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। ये 70% प्रभावशाली है, कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण को हमारे शरीर में पैदा नहीं होने देता है। भारत में कोरोना वैक्सीन का प्रोग्राम 16 जनवरी से ही प्रारंभ कर दिया गया था। कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को प्रमुखता से लगाया जा रहा था। शुरुआत में कोविशील्ड वैक्सीन को 28 दिनों के ही अंतराल पर या 1 महीने के ही अंतराल पर लगाया जाता था, लेकिन बाद में शोधों से पता चला कि इस वैक्सीन की दोनों डोज में कम से कम 42 से 56 दिन का अंतर होना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि जो लोगों ने 1 महीने के ही अंतराल पर दोनों डोज ले लिए उनका फिर क्या होगा, तो इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। इस दोनों वैक्सीनों को, दोनों डोजों को जब 28 से 30 दिन के ही अंतराल पर लिया जा रहा था तो ये वैक्सीन
मनुष्य के शरीर में करीब 55% ही प्रभावशाली थी। बाद में शोधों से पता चला कि यदि दोनों डोजों के बीच में करीब 42 से 56 दिन का अगर अंतर हो जाता है तो ये जो वैक्सीन का प्रभाव है ये करीब 70% के आसपास हो जाता है। तो बेहतर रिजल्ट के लिए कम से कम 42 से 56 दिन का अंतर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं भारत में तीसरी प्रमुख वैक्सीन जो प्रमुखता से लगाई जा रही है, जो कि रूसी वैक्सीन है। इसे रूस की रिसर्च इंस्टीट्यूट गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। भारत में इसका प्रोडक्शन डॉक्टर रेड्डी लैब करेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया कि कोविशील्ड को एडोनो वायरस से मिलकर के बनाया गया है, इसी प्रकार से उसमें सिंगल वायरस था, इसमें डबल वायरस का प्रयोग किया गया है। मतलब एडोनो वायरस के साथ साथ एक दूसरे वायरस का भी प्रयोग किया गया है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावी वैक्सीन मानी गई है। 92% इसका प्रभाव है, 91.6 एग्जैक्ट इसका प्रभाव है, 92% प्रभावशाली है। और ये वैक्सीन जैसे ही हमारे शरीर में जाती है तुरंत ही एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू कर देती है, तुरंत ही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देती है, सक्रिय कर देती है उनको। और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इस वैक्सीन को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हर जगह इसको माना गया है। इस वैक्सीन में कम से कम दोनों इस वैक्सीन की दोनों डोज में कम से कम 21 दिन का अंतर होना चाहिए। मतलब कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन में 28 दिन का अंतर होना चाहिए, कोविशील्ड में 42 से 56 दिन का अंतर होना चाहिए। परंतु स्पुतनिक वी की बात करें तो स्पुतनिक वी में सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का ही अंतर होना चाहिए। तो भारत में ये वैक्सीन प्रमुखता से लगाई जा रही हैं। इन तीनों वैक्सीनों को स्टोर करना भारत में बहुत ही आसान है। करीब 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसको स्टोर किया जा सकता है। मतलब आसान से जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर के, उस पर भी इसको स्टोर किया जा सकता है और प्रभाव भी इसके बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जो प्रभावशाली तो हैं लेकिन भारत में अभी इसको मान्यता नहीं दी गई है। जैसे फाइजर की वैक्सीन की हम बात कर लेते हैं, मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन की बात कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कम से कम -20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अवश्य होना चाहिए, जो भारत में पॉसिबल कम है। वही फाइजर वैक्सीन की बात करें तो -50 से -70 डिग्री का टेम्परेचर पर ही इसको स्टोर किया जा सकता है। तो ये कारण है कि अभी इसको स्टोर करना एक भारत में बड़ी चुनौती है। लेकिन ये तीनों जो वैक्सीन हैं ये 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्टोर की जा सकती हैं, काफ़ी प्रभावशाली हैं। ये सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन है इन तीनों वैक्सीनों का। वैसे ये तीनों वैक्सीन बहुत ही कारगर हैं। तीनों में से कोई भी वैक्सीन अगर आपको मिल जाती है तो आप तुरंत लगवा लीजिए। ये सारी की सारी बहुत ही कारगर हैं और आपके प्राण रक्षक होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।